नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और क्लोजिंग आ गई है, मैं उसी का वेट कर रहा था। क्लोजिंग आई है, देखिए कैंडल की क्लोजिंग 17,506, बट जो एवरेज क्लोजिंग होती है वो है 17,522। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। स्किप कर रहे हैं तो लॉस लेने के लिए तैयार रहिएगा, मैं पहले ही बता दें। और चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप स्किप करके देखते हैं। तो यहाँ पे कल हमने एक एनालिसिस किया था, ये डेट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, 24 अगस्त कल की डेट है और मात्र 4:30 की वीडियो है। ये ए वेव में आपको बता रहा था, और ये बी वेव, ये ऊपर की तरफ जो लाइन खींची हुई है 17,700, ठीक है, ये गया हालांकि 17,725 तक। और मुझे लग रहा था इसको क्रॉस करने के बाद ये 17,70 तक भी जा सकता है, बट इसने पलटी मारी यहीं से। और जो अपना ये ए और ये बी, ये सी की तरफ चल पड़ा है, ठीक है, कल की ही ये वीडियो है, दोनों टाइम मैंने ये जिक्र किया था। अब आते हैं अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर मैं 1 घंटे का चार्ट लगाऊं, ये 1 घंटे का, 1 घंटे से अच्छा मैं हाफ एन आवर का चार्ट लगाता हूँ। हाफ एन आवर के चार्ट पे अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों इस वीडियो में काफी कुछ बताना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये अभी जो थोड़ी देर पहले वीडियो पोस्ट की थी मैंने, ये आपको ये पूरा एक चीज बना के दिखाई। इसके हिसाब से टारगेट 17,460 आ रहा है, ये जो चैनल है एटलीस्ट, ठीक है। ये तो इसका ब्रेकडाउन देखे, इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे आज 17 कितना हमें 490 का तो लो दिखाया है। आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चेक करेंगे। डेली चार्ट की रीडिंग मैं आपके सामने ही करूंगा, बट पैटर्न का जो ब्रेकडाउन आया है, पैटर्न का जो ब्रेकडाउन आया है वो इस बेयरिश फ्लैग का है। इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हैं, बेयरिश फ्लैग जब आप टाइप करेंगे तो वहां पे क्या फॉर्मेशन बनती हुई आती है। तो फर्स्ट टारगेट तो ये है, ठीक है। और जो पैटर्न हमने एबीसी करेक्शन एलियट वेव के हिसाब से देखा है, उसमें क्या है, ये ए जिसका लो है 17,345, ये बी का लगभग टॉप जो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये लाइन ही बना के, ठीक है, और ये सी की तरफ चल पड़ा। अब सीखने वाली चीज, लर्निंग ऑफ दिस वीडियो, फर्स्ट लर्निंग, देखिए ये मूव क्या है, इंपल्सिव। इंपल्सिव मतलब मोटिव है, मोमेंटम है इसके, ठीक है, मतलब तेजी है। और ये मूव कैसा है, किच पिच किच पिच किच पिच किच पिच, तो ट्रेंड ये है, ठीक है। और फिर ये जब सी वेव बन रही है तो ये अगेन इंपल्सिव है, मतलब फोर्स है इसके अंदर, मोमेंटम है इसके अंदर, ये मोटिव वेव, तो ये तेजी के साथ ही बनेगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सा हमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या है। तो फिलहाल यहां से जो डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं, वहां से जो ये हमें देखने को मिल रहा है, ये कम से कम मुझे लग रहा है 17,160 तक तो जाना चाहिए, ठीक है, फ्राइडे ऑब्लिक मंडे 17,160 ये पैटर्न बनना चाहिए इतना। अब यहां से आज जो क्लोजिंग आई है, इस क्लोजिंग का भी बहुत महत्व है, 17,522 जो लोवेस्ट क्लोजिंग है इस पूरे वीक की, वो है दोस्तों ये मंडे की क्लोजिंग। मंडे की क्लोजिंग क्या है, 17,490 आप लोगों को याद होगा। और आज का लो देखना है एक बार, आज का लो कितना बना है, ये कैंडल है, आज का लो है 17,488.6, ठीक है, 17,488.6। तो ये दिस इज द लेवल जिसके नीचे हमें कल टेक्निकली सेल का बटन दबाना, टेक्निकली सेल का बटन दबाना, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया जब ये क्लियर है तो ये शॉर्ट क्यों नहीं करते, कर सकते हैं, बट इट इज रिस्की, यहाँ रिस्की और एसएल बड़ा है। अब जो ये जो टॉप बन गया है ना, ये टॉप जो बन गया है, अब ये आपका एसएल है। अगर आप इतनी दूर का एसएल रख सकते हैं तो रखिए, करिए सेल, टारगेट आपके 17,200 या फिर 17,160 तक मिनिमम निकल के आ रहे। और ये टूटा, 17,160 टूटा,
17,025 स्क्रीन पे आपको देखने को मिलना चाहिए। ये वेव फिर वहां तक बनेगी 17,025 तक। बट SL फिर आज का हाई है जो आज बना है, ये जो बी वेव जहां पे खत्म है, ठीक है दोस्तों। और पूरा कंफर्म मतलब आप जो हुआ क्या कहते हैं कि नहीं लॉस मिनिमम ही करना है, तो फिर ये जो 20 EM है ठीक, इसके नीचे शॉर्ट करिए पोजिशनल, इंट्राडे शॉर्ट करिए यहाँ पे कल 480 के नीचे, इंट्राडे शॉर्ट करिए, इंट्राडे में फिर SL ट्रेल करते चलिए। अगर आप 488 के नीचे शॉर्ट करते हैं 17,000 अपने आप आगे लगा लीजिएगा, तो टारगेट आपका 444 17,400 का आपका 20 EM में है। जब तक 20 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, पोजिशनल मतलब शॉर्ट को कैरी करके नहीं जाना, इसे कहते हैं सेफ ट्रेडिंग। व्यू नीचे का है बट प्राइस एक्शन के टूटने दीजिए, इसको ब्रेक होने दीजिए, कैरी करके जाइए फिर ओवरनाइट, ठीक है। ये है दोस्तों 10, देखिए 10 EM में इसको इसको ऊपर क्लोज ही नहीं करने दे रहा, यहां पे भी क्लोज नहीं करने दिया, यहां पे भी क्लोज नहीं करने, ऊपर गया पर नीचे आके क्लोज कर गया। 20 EM का इसने सपोर्ट लिया, तो जब तक इनके बीच में है, जो मैंने ट्यूसडे को बोला था, मार्केट का व्यू डायरेक्शन क्लियर नहीं है ट्रेड करने के लिए, समझिए इस चीज को, ठीक है। 10 EM 20 EM EMA की थ्योरी यही कहती है, और पैटर्न जो हम देख रहे हैं वो ये बनता देख रहे हैं, बट प्राइस एक्शन पे कंफर्म होने देनी फिर इसको, ये इसके नीचे यहाँ पे गाड़ी में बैठ जाइएगा। और जो रिस्की प्लेयर है उसके लिए मैंने बता दिया, इसका हाई का रख लीजिए SL, फिर आप बैठ सकते हैं, बट इसमें रिस्क है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो ये है दोस्तों फिलहाल निफ्टी, और हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में इसने फिर से देखिए इस चैनल का सपोर्ट लेके ऊपर ही क्लोजिंग दी, और इसने 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, ये अभी भी 10 EMA के ऊपर, तो ये तेजी का घोड़ा। पर 8 जो कैंडल बनी है भैया वो ठीक नहीं बनी है, ठीक है। तो कल 38,750 एक ऐसा लेवल रहेगा जिसके बाद आपको बैंक निफ्टी में 750 सेल का बटन दबाना है, क्योंकि ये है इसका 10 EMA, और इसके नीचे ये चैनल भी टूट जाएगा कल फिर से ब्रेक डाउन, और फिर टारगेट आपका निकल के आता है 38,200। बीच में स्पीड ब्रेकर की आप बात करें तो 38,500 फिर 38,200, ये दो टारगेट आपको मैं दे रहा हूँ मंडे और ये फ्राइडे ऑब्लिक मंडे के लिए। सेल कहाँ करना है? 38,750 बिलो आपको सेल करना है। SL जो हो जाएगा, जो आज की क्लोजिंग है, आज की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, वो उसके ऊपर 15 मिनट भी ट्रेड करे आपका SL इट, और क्लोजिंग क्या है आज की 38,950, इसके ऊपर 10 से 15 मिनट भी ट्रेड करे आपका SL हिट है। सेल करने का लेवल 38,750 है, और टारगेट 38,500 ट्रेड कल आप बैंक निफ्टी का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी की जो कैंडल बन रही थी ना, वो तो बहुत ही जबरदस्त बन रही, पर जब पर कॉन्ट्राडिक्ट था निफ्टी में जो पैटर्न बन रहा था, निफ्टी में एक ऐसी इंपल्सिव वेव बनी, फिर ऐसे 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 करके एक पैटर्न बन रहा था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी ऐसे, बैंक निफ्टी में खड़ी ऐसे बनी, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने इस यहां तक इसको ट्रेल किया है। तो जब जब भी ऐसा हो कुछ, निफ्टी को थोड़ा वेटेज दीजिए, क्योंकि मेन इंडेक्स अपना निफ्टी, और बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी में ये प्रॉपर पैटर्न जो है इसको कहते हैं करेक्टिव इन नेचर, मूव ये है, ये करेक्टिव इन नेचर। तो आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रही है। स्टिल बैंक निफ्टी इज अबव इट्स 10 EMA एंड इट इज स्टिल इन दिस चैनल ओनली, जो ये है यहाँ पे बना हुआ। अब तक इसके नीचे ये गया जरूर नीचे, बट क्लोजिंग इसने हमेशा इसके अंदर ही दी है। तो जब तक ये इसके बाहर क्लोजिंग नहीं देता, वहां से 1500 पॉइंट का फॉल है बैंक निफ्टी, तो
उसका वेट कीजिए और कंफर्म ट्रेड लेने के लिए। टिल द टाइम आप निफ्टी पे फोकस कीजिए, वहां हमको क्लियर डायरेक्शन क्लियर पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं ये, और 20 EMA के नीचे जाके तो ये खराब ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कल हमारा वीकली चार्ट भी क्लोज हो जाएगा। वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा हैमर बनता हुआ दिख रहा था, बट मुझे लग रहा है अब वो हैमर ना बन के एक, दोस्तों जो खराटे की आवाज है ना मेरे डॉगी की, प्लीज इसकी जो ओपनिंग है, क्या है इसकी ओपनिंग, 17,401। बस इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई ना, 17,401 इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई। अगला टारगेट ये और फिर ये, ठीक है, अभी आई 16,900 वीकली बेसिस। चलिए, बट इसकी चर्चा हम कल करेंगे वीकली चार्ट की। लाइक कीजिए दोस्तों, समझ में आया, कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच।